हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा फेवरेट गेम GTA 5। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ओनिल ब्रदर्स को हमने किया था कॉल, और कॉल करने के बाद हम ओनिल ब्रदर्स के पास गए थे उनसे बदला लेने के लिए। तो ट्रेवर के वो सबसे बड़े दुश्मन में से एक थे, तो ट्रेवर गया था उनके पास, यानी हम गए थे ओनिल ब्रदर्स के पास, उनके फार्म के फार्म में गए थे और उनका पूरा का पूरा फार्म जला दिया था हमने। पहले तो उनसे लड़ाई करी थी और उनका पूरा पूरा फार्म हमने जला दिया, तो वहां से भी हमने गेम कंटिन्यू करना है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर से जाकर देख लेना, जो ये वाली वीडियो समझ में नहीं आने वाली तो वहां से अपना गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ और देखते हैं हमें जाना कहाँ होगा। सबसे पहले बाइक मंगवा लेते हैं, और यहाँ पे दो निशान बने हुए आ रहे हैं। अभी तो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है और एक टी बना हुआ रहा है, तो मैं टी पे जल्दी से चला जाता हूँ, देखते हैं करना क्या होगा। ओके, तो मैप पे भाई यहाँ पे टी बना हुआ नहीं आ रहा, टी बना हुआ आ रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ पे जो भी दो निशान बने हुए आ रहे थे वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी लोकेशन मैंने सेट कर लिए तो वहाँ चलते हैं। और मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट लेने के लिए मुझे इस पूरी पूरी चट्टान के पार जाना पड़ेगा, जो कि एकदम नामुमकिन है। तो मैं जल्दी से अपनी लोकेशन में पहुँच जाता हूँ, लोकेशन के पास पहुँचने के बाद देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो यार फाइनली अपनी लोकेशन के पास पहुँच चुके हैं और अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अब जल्दी से पहुँच जाएंगे और देखते हैं चल के हमें वहाँ पर करना क्या होगा। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, या तो हमारे घर के अंदर ही हमें जाना होगा या फिर ओके देखते हैं हमें कहाँ पर आना होगा, या तो ये कोई शॉप है या हमारा घर है। ओके मुझे घर तो ओके घर ही है भाई, ठीक है। तो होता है हम अपने किसी दोस्त से यहाँ पर मिलना हो तो चल के देखते हैं भी हमें अपने घर के अंदर जाना होगा, ठीक है। ओके भाई हमारा दोस्त है ये, और ये भाई अजीब सिर का दे करता रहता है हर वक्त, इसे पिछली बार उन्होंने डांट के भगा दिया था लेकिन इस बार दोबारा से यहाँ पर आ गया। ओ भाई इसका मुंह देखो, पूरे मुंह में इन्हें जो है रिंग पिरो रखी है अपने, नाक में और कान में और आईब्रोज में, हर जगह इन्हें रिंग पिरो रखी है। ओ भाई साहब मुक्का जड़ दिया इसके, पिछली बार भी इसे डांट के भगाया था और इस बार तो मार ही दिया मुंह पे। Michael Townley living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. Okay, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे जो ट्रेवर है वो अपने इस दोस्त से ये पूछ रहा है कि माइकल जहाँ रहता है मुझे वो जगह बताओ। तो ये बंदा बोल रहा है कि मुझे वो एग्जैक्टली जगह नहीं पता कि माइकल रहता कहाँ है, तो दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे माइकल रह सकता है, तो वो इसने भी बताई है ट्रेवर को। तो हो सकता है उन दोनों जगहों को हमें सर्च करना होता कि हम माइकल को ढूंढ सकें। ओके तो भाई अभी ट्रेवर ने इस बंदे से अपने दोस्त से पूछा है कि उसकी बीवी का नाम बताओ। ओके तो अभी भी ट्रेवर ने अपने दोस्त से पूछा था कि मुझे उसकी बीवी का नाम बताओ, और उसने अमांडा जैसे बताया तो इसने एक और मुक्का जड़ दिया उसके। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेवर उसकी बीवी को पहले से जानता है। ओके तो मुझे लग रहा है अभी हम जाएंगे शायद से माइकल के पास, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हो भी सकता है उसके पास ही जाएं हम। ओके तो इस बंदे को शायद से मैं अपने साथ लेके जाना होगा, और देखते हैं अभी हम जा कहाँ रहे हैं। तो हो सकता है माइकल के पास जाएं, और हो सकता है गो टू द ट्रेलर पार्क। ओके तो हमें किसी पार्क में जाना होगा अभी, और अपने इस बंदे को साथ में लेके जाना है। ओके भाई ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकेशन बनी हुई आ रही है वो थोड़ी ज्यादा दूर है, लेकिन बाइक पे है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगा है कि बिजली कड़की थी। ओके तो भाई बारिश आनी शुरू हो गई है यहाँ पे, मुझे लग ही रहा था इतनी देर में बारिश आनी शुरू भी हो गई। ओके लोकेशन ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा ये, अब जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल एकदम सीधा सीधा है वहां जाने का, ज्यादा घुमाओ घुमाओ रास्ता नहीं है। काले बादल आ गए भाई एकदम बिल्कुल यहाँ पे। ओहो भाई बिजली भी कड़कने लग गई यहाँ, तो बिजली देखो कैसे कड़क रही है, एकदम रियल लग रही है। ओके तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि और जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा आ रही है तो होता है गाड़ी भी फिसल जाए हमारी। ओके तो भाई शॉर्टकट तो मैंने काफी सही ले लिया यहाँ से। ओके भाई पानी भरा हुआ यहाँ पे, शॉर्टकट नहीं ले सकता मैं, सॉरी। ओके तो हमें लोकेशन के मैप के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। ओके ओ भाई बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है इस टाइम। ओके भाई तो हम अपनी लोकेशन पे फाइनली पहुंच चुके हैं, और अब देखते हैं हमें यहाँ पे करना क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो यहाँ देखते हैं हमें करना क्या होगा। ओके भाई अब देखते क्या होगा।
मुझे यार ये ट्रेवर का हेलमेट बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि ये थोड़ा अनोखा किस्म का हेलमेट है। ओके तो भाई टाइम हमारा हो गया है रात का, बारिश हालांकि रुकी नहीं है आनी। ओके तो मुझे लग रहा है इन यहाँ पे जो लोग खड़े हैं इन लोगों को पहले से पता है कि ट्रेवर यहाँ पे आ रहा है, यानी हम यहाँ पे पहले से ही आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होगा। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इन बंदों को मानना होगा। ओके तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो प्लांट जो बने हुए आ रहे हैं प्लांट मैप पे उन पे हमें बम लगाने हैं, तो मुझे ओके तो हमारे पास ये बम आ गया है और हमें यहाँ पे लगाने होंगे एक एक करके ताकि हम इस जगह को फाड़ सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पे लिखा है इस तरीके से हमें बम लगाने हैं। ओके भाई ठीक है तो मुझे लग रहा है हमें इन लोगों को, ओ भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो बंदे हैं उन्हें पता नहीं चलने देना कि हम यहाँ पर हैं, और हमें चुपके से यहाँ पे बम लगाने होंगे हर एक घर पे। तो अभी देखते हैं कौन से घर पे बम लगाना है, शायद से इस पे लगाना होगा, नहीं इस पे तो नहीं लगाना था, अगले वाले पे लगाना है। ओके तो शायद से वो जो लोग मैप पे नजर आ रहे हैं लाल कलर के वो शायद से इस घर के अंदर हैं। ओके भाई ठीक है मैं समझ गया, इस घर पे भी लगाना है। ठीक है तो ये जो शायद से हम जहाँ पे बम लगा रहे हैं ये माइकल के सॉरी ट्रेवर के दुश्मन है जिनसे भी हम बदला लेंगे बम लगा के और बाद में उन्हें फाड़ देंगे। ओके भाई यहाँ पे गुंडे हर जगह हैं तो मुझे बच बच के इनसे जाना होगा ताकि इन्हें पता ना चल जाए, और मैप पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इन्हें पता ना चले। ओके अभी बस दो घर और बचे हैं, उसके बाद हमारा घर घरों पे बम लगाने का मिशन हो जाएगा कम्प्लीट, और उसके बाद भाई साहब ड्राइवर की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है भाग भाग के। ओके अभी वाले घर पे बम लगाना है। ठीक है ओके फाइनली इस पे भी लगा दिया, अब लास्ट घर बचा है जिसपे हम बम लगाना होगा और वहां पे भी चुपचाप से बम लगा के चलते हैं। ओ भाई ड्राइवर की हेल्थ देखो कितनी ज्यादा कम हो गई। ओ भाई साहब भाई पता चल गया गुंडों को, इसे भी लगा दिया मैंने। तो भाई फाइनली मैंने यहाँ पे सारे बम लगा दिए और यहाँ लिखा आ रहा है अब कि जी दबा के मुझे यहाँ पे बम को फाड़ना होगा। अब देखते हैं जी दबा के क्या होगा, शायद से बहुत बड़ा धमाका। ओ भाई साहब सारे के सारे हमने घर फाड़ दिए जहाँ पे भी बम लगाया था। ओके ये गुंडे भागते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ से। ओके हमें अपने दोस्त के पास यहाँ लिखा आ रहा है कि हमें अपने दोस्त के पास वापस जाना है और शायद से यहाँ से हमें भागना होगा, और गुंडे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे आ रहे हैं। ओके आ रहे हैं भाई आ रहे हैं गुंडे, और हमें अभी गो टू लॉस सैंटोस। ओके हमें लॉस सैंटोस से जाना होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी शायद से हम माइकल के पास जा रहे हैं क्योंकि लॉस सैंटोस में सिर्फ माइकल ये जो रहता है, तो मैंने यहाँ से शॉर्टकट ले लिया है, तो आई होप कि शॉर्टकट लेने की वजह से हम जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट लिया है ये ज़्यादा कोई माउंटेन कोई ऊंची माउंटेन तो नहीं है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके तो हमने अभी 3 माइल लिखा हुआ था, 3 माइल की जगह 2.5 माइल हो गया एकदम से क्योंकि हमने शॉर्टकट ले लिया। ओ भाई साहब ये गड़बड़ हो गई, तो मुझे दोबारा से यहाँ पर बाइक लेनी पड़ेगी ताकि हम बाइक पे जल्दी से चढ़ जाएं। ओके बाइक तो नहीं आई लगता, दोबारा से चीट कोड लगाना पड़ेगा ताकि। ओके हमारा दोस्त कहाँ है? ओके भाई आ जा जल्दी बैठ यार। ओके तो हमारा दोस्त पूछ रहा है कि हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो अभी ट्रैवल ने बोला अभी तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से लगेगा नहीं क्योंकि हम जा रहे हैं शॉर्टकट लेके, तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे आई होप। तो अभी मैप के अकॉर्डिंग तो हम बहुत दूर हैं, लेकिन हम वहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि जितना मैंने शॉर्टकट लिया है उसके हिसाब से तो जल्दी पहुंच जाएंगे कि हम बहुत तेजी से वहाँ जा रहे हैं। ओके भाई तो हम अपनी लोकेशन पे बस पहुंचने वाले हैं, अब ज़्यादा मतलब दूरी रह नहीं गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है हम लॉस सैंटोस ही जा रहे हैं अभी। ओके लॉस सैंटोस लग नहीं रहा हमें जा रहे हैं वहाँ पे, हम पहुंच ही चुके हैं लॉस सैंटोस क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो देख के मैं समझ चुका हूँ ये लॉस सैंटोस ही है, क्योंकि हम उस गाँव वाले इलाके से तो बाहर निकल चुके हैं फाइनली, और अभी देखते हैं क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी जा रहे हैं फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि जिस जगह पे भी हम हैं वहाँ पे शायद फ्रैंकलिन ही रहता है, यहाँ पे शायद ट्रेवर तो सॉरी माइकल तो रहता नहीं है, और हम यहाँ पे गिर गए हैं दोबारा से गिर गए क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्टकट लेने के चक्कर में 2 बार ठुक चुके हैं। अब भाई जल्दी बैठ, खून पड़ा हुआ यहाँ पे इनका निकल के, लेकिन इन्हें फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओके तो मैप पे भी दिखा रहा है यहाँ पे काफी दूर हम लोकेशन से हैं अपनी, लेकिन लोकेशन से दूर अब इतना ज्यादा है नहीं और पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। ओके तो भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और शायद से अभी हम फ्रैंकलिन के पास ही जा रहे हैं क्योंकि वहाँ या इस जगह पे शायद उसी का घर है। ओके तो अभी देखते हैं हम कहाँ पर आए हैं, अभी मुझे लग रहा है हम किसी के पास भी नहीं आए, अभी हम यहाँ पे बस मुआयना करने आएंगे यहाँ पे होगा क्या, तो देखते हैं अभी यहाँ पे हम करना क्या है। शायद से फ्रैंकलिन यहाँ पे सॉरी ट्रेवर यहाँ खड़ा होकर दिखेगा।
ओके 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 तो भाई तो भाई ये बोल रहा है तो भाई अभी अभी ट्रेवर बोल रहा है कि शायद सही अभी इन लोगों को मतलब माइकल को ट्रेवर को काम करे हुए या मिले हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं तो ट्रेवर बोल रहा है कि तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे बहुत अच्छे लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले गए तो शायद से अब जबरदस्ती ट्रेवर अब माइकल के पास जाएगा और देखते हैं मैं जाके करना क्या है तो मेरे ख्याल से दोनों साथ में मिलकर ही काम करेंगे ओके भाई मैं फिर से शॉर्टकट लेने वाला हूँ क्योंकि अगर शॉर्टकट लेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे ओ भाई साहब पहुंच गए हमने 2 माइल से 1 माइल की दूरी एकदम से तय कर ली और अब देखते हैं क्या करना है मैं दोबारा से शॉर्टकट ले रहा हूँ और हम यहाँ जंप मारने वाले हैं ये हमने सुपर जंप लगाई है और देखते हैं ये फेल होगी या सक्सेसफुल होगी अभी देखते हैं मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए ओके लग तो ऐसा रहा जैसे फेल हो जाएगी और ये दोनों के दोनों गिर जाएंगे लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा ओके शायद से सक्सेसफुल हो गई है ओ भाई साहब नहीं यहाँ पे लिखा तो आ रहा है कि फेल हो गई है लेकिन सक्सेसफुल होनी चाहिए थी क्योंकि हम गिरे तो नहीं है पर कोई बात नहीं हम कम से कम गिरे तो नहीं ओके लोकेशन हम पे हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमारी लोकेशन बिल्कुल सीधी सीधी जाकर है तो अभी देखते हैं हम किसके पास जा रहे हैं शायद से अभी हम जा रहे हैं माइकल के पास क्योंकि जिस जगह पे भी हम हैं वहां पे शायद से माइकल ही रहता है तो अभी देखते हैं क्या होगा मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए देखिए जब ट्रेवर मिलेगा माइकल से तो क्या होता है तो यार ऑलमोस्ट हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं फाइनली और अब देखते हैं क्या होगा लेकिन मैंने सोचा था या तो हम ट्रेवर जाएगा माइकल के पास या फिर जाएगा फ्रैंकलिन के पास लेकिन ये हम मतलब दोनों में से किसी के पास भी नहीं गया और ये यहाँ पे एक अलग सी जगह पर आया और देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या होगा तो ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बंदा हमारे साथ है इसके कोई जानने वाले यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे हम मतलब स्टे करेंगे जब भी हमें अपना गेम सेव करना होगा या फिर जब भी हमारा गेम यहाँ से कंटिन्यू होगा तो यहीं से होगा जैसे माइकल और फ्रैंकलिन का अलग घर है वैसे यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट हुआ करेगा ओके यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ आया था कि ये जो बंदा हमारे साथ चल रहा है काले कपड़ों में हमारा दोस्त ये इसके कजन का घर है तो हमें शायद से यहाँ पे रहना पड़ेगा तो यहाँ पे लॉस सैंटोस यानी जो अलग सिटी है बिल्कुल ट्रेवर की सिटी से अलग है वहां पे हमें एक मतलब एक तरीके से घर मिल गया रहने के लिए तो यहाँ से हम अपना गेम हमेशा से कंटिन्यू करा करेंगे जब भी ट्रेवर के साथ खेलेंगे ओके तो यार अभी भी मैंने नोटिस करा है कि ये जो बंदा है काले सूट में ये थोड़ा सा सही से नहीं बोलता थोड़ा सा अजीब सा मुंह में मतलब बातों को दबा के बोलता है क्योंकि इसके मुंह में यहाँ पर रिंग लगी हुई है और इस वजह से इसको बोलने में दिक्कत होती है ओके तो भाई ट्रेवर बोल रहा है इस लड़के से कि मुझे एक ड्रिंक ला के दो और मैं दोबारा इस बारे में नहीं बोलूंगा और मैं यहीं रहने वाला हूँ हालांकि ये बंदा हमें रहने के लिए मना कर रहा है लेकिन फिर भी हमने उसे फोर्स करके मना ही लिया है कि हम यहीं रहेंगे ओके भाई ट्रेवर जरा थोड़ा सा ताड़ रहा है घर को कि घर कैसा है तो यहाँ पे हमें अब पूरा एरिया दिखाया जा रहा है कि घर कैसा है यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं तो यहाँ पे हम रहने वाले हैं और यहाँ पे हो गया हमारा गेम सेव और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ और देखते हैं हमें करना क्या होगा तो शायद से यहाँ पे 2 निशान बने हुए आ रहे हैं ओके तो पहले घर से बाहर निकलते हैं घर से बाहर निकलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ओके ये तो हमारा बेडरूम है तो यहाँ से शायद से घर से बाहर निकलेंगे नहीं यहाँ से भी नहीं निकलेंगे ओके शायद से यहाँ से हम बाहर निकलेंगे ओके तो यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और मुझे लग रहा है यहाँ से अगर हम कूदेंगे तो इसे लग जाएगी चोट लेकिन फिर भी मैं कूदने वाला हूँ ओ भाई तो जल्दी से आप अपनी बाइक मंगवा लेते हैं और देखते हैं मैं जाना कहाँ होगा यहाँ पे 2 निशान बने हुए आ रहे हैं क्वेश्चन मार्क के तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ओके भाई माइकल माइकल के पास इस बार हम जा सकते हैं फाइनली और माइकल से देखते हैं हम जाके करेंगे क्या मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ माइकल से मिलने के लिए मतलब ट्रेवर जब माइकल से मिलेगा तो क्या होगा क्योंकि माइकल से मिले हुए ट्रेवर को काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि ट्रेवर अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कम से कम 10 साल के आसपास हो गया जब से ट्रेवर माइकल से नहीं मिला है तो अब देखते हैं क्या होगा जब ट्रेवर मिलेगा माइकल से तो ओके मैं गलत जगह पर आ गया हूँ तो ओके भाई यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है मुझे यहाँ से बाहर निकल के मेन रोड पर आना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुँच सकूँ ठीक है ओके भाई ठीक है यहाँ से जाना था मुझे मैं पीछे की तरफ से चला गया था गलती से ओके तो फाइनली मैं आ चुका हूँ माइकल के घर के पास और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो रही है अब देखते हैं हुआ क्या मुझे ऐसा लग रहा है ड्राइवर वहाँ जाते ही उधम मचाने लग जाएगा और ड्राइवर को थोड़ा सा मारने लग जाएगा सॉरी माइकल को मारने लग जाएगा ड्राइवर ओके तो यहाँ पे ओके तो हमें माइकल के घर के अंदर डायरेक्ट नहीं जाना हमें यहाँ पर खड़ा होना होगा और शायद से अभी तो भाई ड्राइवर ताड़ेगा माइकल के घर को और देखते हैं क्या होगा यहाँ पे
ओके तो भाई शायद से ट्रेवर आएगा यहाँ पे दिन के टाइम, क्योंकि शायद से दिन के टाइम ही हमें ये मिशन स्टार्ट करना होगा। तो दिन तो हो गया है और अब देखते हैं क्या होगा। There you are, you little shit. ओके For this? ओके तो माइकल बोल रहा है अपने बेटे से, तुम इसी को ढूंढ रहे थे जो माइकल के हाथ में है, मुझे नहीं पता हाले कि ये क्या है, कोई ईट सी लग रही है। ओके ओ भाई सब चौंक गए इस टाइम एकदम, सब एकदम चौंक गए ट्रैवर को देख के। ओके तो ट्रेवर बोल रहा है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ वहां तुम्हें, मुझे देख के अच्छा, मुझे देख के अच्छा लगा तुम्हें। Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Okay. One of those fake your own deaths to your best buddy. ओके तो मैं समझ गया, यानी कि जो हमारा दोस्त माइकल है, हमारा कैरेक्टर माइकल, तो वो अपनी जो मतलब एक मौत का ड्रामा करता है, सबको ये दिखाता है कि वो मर गया लेकिन मरता नहीं है, और वो ये ड्रामा दिखा के एक जगह सेट हो जाता है, यानी लॉस सैंटोस में सेट हो जाता है। तो अभी ट्रेवर यही बोल रहा है माइकल से कि तुमने अच्छा ड्रामा करा अपनी मौत का बहाना बना के। ओके तो भाई ट्रेवर अमेंडा को भी जानता है, जो कि भाई माइकल की बीवी है। ओके तो इससे पूछ रहा बंदे से कि ये कौन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है जिसकी शर्ट पर चाइनीज में कुछ लिखा है, ये शायद से अमेंडा का नया कोई योगा कोच है, क्योंकि जो पिछला कोच था अमेंडा का वो तो हमने मार के भगा दिया था उसे, क्योंकि इसने हमारे घर में कुछ गड़बड़ कर दी थी, वो पिछली वीडियो में हुआ था। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर से आगे देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके तो ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइकल अभी अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा है कि वो है कहाँ पे, और माइकल के बेटे ने भी बताया है कि वो किसी जगह पे गई है, किसी शो में गई है जहाँ पे डांस वगैरह होता है। तो माइकल कह रहा है कि वो एक बहुत बुरी डांसर है और मैं उसे ये सब करने से रोकूंगा। तो शायद से हमने पहले भी उसे एक काम करने से रोका था, मतलब माइकल की बेटी को गलत काम करने से रोका था, और इस बार भी शायद से हम यही करेंगे। ओके तो अभी हमें जाना होगा किसी जगह पे, और देखते हैं मजा के करना क्या है, और माइकल इस बार हमारे साथ आएगा। भाई माइकल बैठ जल्दी से यार। ओके तो भाई माइकल बैठ के गाड़ी के अंदर, अब देखते हैं हमें जाना कहाँ है। What were you doing? I was making myself a juice. Broccoli, raw kale, fish oil. ओके लोकेशन थोड़ी सी ज्यादा दूर है वैसे यहाँ से, लेकिन इतनी भी दूर नहीं है, है तो हमारी सिटी में लेकिन ज्यादा दूर, थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। ओके तो फाइनली अपनी लोकेशन पर हम पहुंचने वाले हैं। मैंने एक बहुत बड़ा शॉर्टकट लिया था जिसकी वजह से हम यहाँ बहुत जल्दी आ चुके हैं। तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे करना क्या होगा। शायद से अभी अपनी माइकल की बेटी को बचाने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक गलत जगह पे दोबारा से चली गई है। तो मुझे लग रहा था कि हमें यही आना था, और जाके फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। ओके तो ये मुझे कोई एक तरीके का कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्राम वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे हमें शायद से अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और अंदर जाना होगा। तो देखते हैं अंदर क्या मिलेगा हमें। ओके भाई जिस तरीके से ड्राइवर ने भी गाड़ी खड़ी करी, यानी हमने गाड़ी खड़ी करी, उसकी वजह से लोग डर गए जो पास खड़े हुए थे। ओके तो यहाँ हमें जाना है और देखते हैं यहाँ करना क्या होगा। ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं। ओ भाई ओके तो भाई अभी भी ये जो ट्रेवर है पूछ रहा है कि माइकल की बेटी है कहाँ पर, उसका नाम लेके पूछ रहा है ट्रेसी कि वो है कहाँ पर। ओके तो यहाँ पे कोई शो वगैरह चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये माइकल की बेटी को नहीं ढूंढ रहे थे, मैं गलत समझ गया, ये ढूंढ रहे थे इस बंदे को, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टीवी का कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह करवाता है बंदा। Tracy's
नहीं, ये ट्रेसी को ढूंढ रहे थे, यानी ये लड़की है ट्रेसी, शायद से माइकल की बेटी है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बंदे दो दो दिखा रहे हैं। ओके, तो भाई ये माइकल की बेटी है फाइनली, मतलब मैं सही था, यानी ये माइकल की बेटी है जो यहाँ पे ऑडिशन दे रही है, और माइकल नहीं चाहता था कि ये ऑडिशन दे यहाँ पे। ओके, तो ये कोई शो होस्ट कर रहा है बंदा यहाँ पे, जिसको मतलब जिसमें ये एक्ट कर रही है। ओके भाई, ट्रेवर माइकल को फाइनली गुस्सा आ गया है क्योंकि यहाँ पे ये इसकी बेटी बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। ओ भाई, ट्रेवर ने भी उसके मार दिया, सर में उठा के चेयर मार दी पूरी। ओके, तो माइकल बोल रहा है अपनी बेटी से कि तुम घर चली जाओ। ओके, हमें अभी किसी को पकड़ना होगा, मुझे लग रहा है हमें उस बंदे को पकड़ना होगा जो माइकल की बेटी के साथ था। ओके, तो या तो हमें उसे मारना है या फिर देखते क्या करना होगा। ओके, तो भाई तो वो कार में बैठ रहा है, मैं इसे कार में ही बैठने दूंगा, मैं इसे यहीं से पकड़ लेता हूँ। ओके, नहीं पकड़ पाया, हमें उसमें बैठना पड़ेगा ट्रक में। ओके, तो हमें ट्रक वाले को निकाल कर और उसको पकड़ना होगा। वैसे मैं उसे पकड़ सकता था, वो इतनी तेज भी नहीं भाग रहा था, लेकिन हमें फिलहाल ट्रक में बैठ कर उस बंदे को पकड़ना है। ओके, ये ट्रक बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, और इसे चलाना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर ये हमने ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करा तो ये अलग हो जाएगा अपनी जगह से, और ये इसके जो हिस्से हैं पार्टीशन वो अलग हो जाएंगे। ओके, तो भाई अभी भी ट्रेवर ने बोला माइकल को कि जिस तरीके के तुम पेरेंट हो, मतलब जिस तरीके के तुम बाप हो, वो अच्छे बाप नहीं हो। ओके, या तो हमें इसे मारना होगा। ओके, मैं इसकी गाड़ी में पंचर करके देखता हूँ, शायद से ये रुक जाए। ओके, तो हमें शायद से इसे धक्का देना होगा अपने ट्रक से। अबे भाई, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे आगे अड़ गई हैं। ओके, तो हमें शायद से इस पर फायरिंग नहीं करनी बंदे हुए, हमें इसको अपनी ट्रक से धक्का देना होगा, और इसे शायद से मारना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसे हमें पकड़ के इससे कुछ पूछताछ करनी होगी। ओके, इसके टायर में मैं हो सकता था पंचर कर दूँ, लेकिन ओके ओके भाई, ये बंदा बहुत तेजी से भाग रहा है अभी इस टाइम यहाँ पे। ओके, मैं पंचर करके देखता हूँ उसकी गाड़ी में। ओके, फाइनली पंचर तो शायद से मैंने कर दिया इसकी गाड़ी में, क्योंकि अभी इसकी गाड़ी स्लिप हुई थी, पता नहीं गाड़ी स्लिप हुई थी या कटिंग ली थी एकदम, पता नहीं क्या ही हुआ था। ओके भाई, इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा तेज भाग रहा है, और हम इस टाइम बैठे हैं ट्रक के अंदर जो कि इतना तेज नहीं भागता। ओके भाई, मैं थोड़ी सी यहाँ पे होशियारी दिखा के इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अबे यार, यहाँ पे गाड़ियाँ हमसे लिपटे जा रही हैं बार बार। ओके, तो ये ले भाई, ये ले, ये ले, ये ले। तो फाइनली इसके हम काफी क्लोज आ चुके हैं, और अब देखते हैं क्या करना होगा हमें। ओके भाई, अभी भी माइकल बोल रहा है कि बहुत देर हो गई है हमें इसका पीछा करते करते। तो भाई, हमारा ट्रक यहाँ पे अलग हो चुका है, और अभी हम शायद से इसे आराम से पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रक आई होप के थोड़ा तेज चल पाएगा, पहले से तेज चल पाएगा, क्योंकि पहले इसके पीछे एक ओके, तो ये नीचे जा रहा है। ओ भाई, कहाँ कूदा है ये। ओके, तो मुझे लग रहा है अभी हमें सिर्फ इसका पीछा करना होगा, अभी इसे मारना नहीं है, क्योंकि जितना तेज भाग रहा है मुझे नहीं लगता हम इसे पकड़ पाएंगे। और अभी इसका पीछा करते करते हमें देखना ये है कि ये जाएगा कहाँ। ओके, ये शायद से कहीं रुक गया है। ओके भाई, ठीक है, शायद से हमने इसे पकड़ लिया। ओके, फाइनली ये उतर गया यहाँ से, और अब हम इसे पकड़ लेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ओके मैं समझ गया, तो ड्राइवर ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इसका पीछा करना शुरू करा था कि ये जो कार है इसकी, जिस कार में भाग रहा था, ये एक बैटरी वाली कार है, और ये बोल रहा है ड्राइवर अब इस बंदे से कि इसकी बैटरी शायद से खत्म हो गई कार की। ओके, तो ये बंदा बोल रहा है कि मुझे मत मारो, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम्हारे मारने के अलावा मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में ऑलरेडी। You proved your point.
This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. Okay, तो भाई अभी भी ट्रेवर बोल रहा है कि तुमने इसकी बेटी को परेशान किया है और अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी. ओ भाई इसकी पैंट उतरवा दी यहाँ पे. ओ भाई इसकी फोटो खींच रहा है ट्रेवर. ओके तो भाई अभी भी ट्रेवर इससे बोल रहा है मुझे डांस करके दिखाओ. ओ भाई डांस करके दिखा रहा है. अभी भी ट्रेवर ने इससे बोला है कि जैसे डांस तुम वहां कर रहे थे शो में वैसे डांस यहाँ पे करके दिखाओ. ओके भाई काफी फनी लग रहा है ये बंदा. ओके ओके तो भाई अभी ट्रेवर ने बोला कि वो जो माइकल की बेटी थी उसकी वो फोटो वगैरह जो वो वहाँ पे डांस कर रही थी वो मैगजीन में मत छापना. और इसने बोला कि वो मैं मैगजीन वगैरह में नहीं छापूंगा, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो. तो फाइनली उसको हमने बदला ले लिया, उसको डरा धमका के, और अब माइकल की बेटी भी घर पर चली गई होगी आई होप. तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतने. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे जरूर से लाइक कर देना होगा. चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना ताकि मैं अपने चैनल पे कभी भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि कोई भी गेम प्ले वीडियो सीरीज मिस ना हो. और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि मुझे ये गेम प्ले सीरीज अगली वीडियो में कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी गेम मुझे खेलनी चाहिए अपनी नेक्स्ट वीडियोज में. तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.